हेलो गाइस, आई एम विकास कुमार। ठीक है, और आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, कौन सा मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, मतलब सोयल में जो पानी की मात्रा होती है, ठीक है, उसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके बाद निम्न मेथड होते हैं। पहला मेथड कौन सा हो गया? ओवन ड्राई मेथड हो गया। दूसरा क्या हो गया? पिकनोमीटर टेस्ट हो गया। ठीक है, पिकनोमीटर मेथड हो गया। ठीक है भाई, तीसरा मेथड कौन सा होता है भाई? कैल्शियम कार्बाइड मेथड हो गया भाई। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया? सैंड बाथ मेथड हो गया। ठीक है, ब्रीफली डिस्कस करेंगे भाई, मैं आप अभी मैं नाम बता देता हूँ इसको। नेक्स्ट अल्कोहल मेथड हो गया। ठीक है, चौथा कौन सा हो गया? टोर्जन बैलेंस मेथड हो गया। ठीक है, पांचवा कौन सा हो गया? रेडिएशन मेथड हो गया। ठीक है, कौन सा मेथड हो गया? रेडिएशन मेथड। ठीक है, तो हम बारी बारी से पढ़ेंगे भाई प्रत्येक को। ठीक है, तो देखो पहले कौन सा मेथड भाई? ओवन ड्राई मेथड। तो देखो भाई, ओवन ड्राई मेथड में मैं सब कुछ लिखूं, सबसे पहले मैं समझा देता हूँ होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने क्या किया कि भाई मेरे पास एक क्या है, कोई सिलिका क्रूसिबल होगी, मतलब छोटी सी कटोरी होगी। ठीक है, खाली कटोरी, इस माना खाली कटोरी का वेट कितना हो गया? छोटा डब्लू वन हो गया। ठीक है, तो फिर भाई मैं कहीं बाहर से सोयल लेके आया, मैंने उस सोयल को यहाँ पे डाल दिया, तो ये क्या हो गया? खाली इम्पटी जो ये क्या है, कटोरी होगी, उसका वेट प्लस के जो सोयल है उसका वेट, वो कितना हो गया भाई? कैपिटल डब्लू हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि भाई ये सोयल तथा कटोरी को कहाँ रख दिया? ओवन में रख दिया। कितने घंटे के लिए, वो बताऊंगा आपको। फिर क्या रख दिया उसे? ओवन में रख दिया। तो किसका वेट हो गया? कटोरी प्लस ड्राई सोयल का वेट नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी तो सूख जाएगी, माने कितना वेट हो गया? W3 हो गया। तो देखो वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है? वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड गुना 100, ये होता है वेट ऑफ वाटर बटे वेट ऑफ सॉलिड गुना 100 होता है। अब देखो वेट ऑफ वाटर कैसे निकाल लेंगे, अगर मैं W2 में से भाई W3 को घटा दूंगा, W2 में से किसे घटा दिया? W3 को घटा दिया। ठीक है, तो किसका पानी का वेट नहीं निकल जाएगा, और लेकिन सॉलिड का वेट कैसे निकाल लेंगे? अगर भाई मैं W3 में से इस कटोरी का वेट घटा दूं, तो जो ड्राई सोयल है वो सॉलिड नहीं बच जाएगी यहाँ पे, तो W3 माने से क्या हो गया? W1 हो गया गुणा 100। तो ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? वाटर कंटेंट हो गया। ठीक है, अब देखो हमें कुछ चीजें याद रखनी पड़ी कि ओवन ड्राई मेथड में क्या क्या मतलब पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो ओवन ड्राई मेथड होता है ना वाटर कंटेंट निकालने, क्या होता है? सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है, मोर एक्यूरेट मेथड होता है। ठीक है भाई, और जो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, देखो सबसे सिंपलेस्ट मेथड हो गया, सबसे क्या हो गया? अच्छा एक्यूरेट मेथड हो गया। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया कि जब इनऑर्गेनिक सोयल का वाटर कंटेंट निकालेंगे, तब हम ओवन में टेम्परेचर कितना रखते हैं भाई? 105 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक रखते हैं भाई, ठीक इसमें। ठीक है, लेकिन जो सोयल ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करके रखती है? कंटेंट करके रखती है। तब उस केस में हम ओवन का टेम्परेचर कितना लेते हैं? 60 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। यदि किसी सोयल में भाई जिप्सम की परजेंस होगी, तो तब टेम्परेचर कितना लेंगे भाई? 80 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, आ गया भाई समझ में आता है? अब देखो भाई, जैसे मैंने बताया था कि जो हमारी सैंड होती है, ठीक है, सैंड्स को ड्राई करने के लिए 4 घंटे लगते हैं ओवन में। ठीक है, जबकि क्ले को ड्राई करने के लिए कितने घंटे लगते हैं भाई? 16 से 20 घंटे लगते हैं। लेकिन यूजुअली हम कितने घंटे लेते हैं भाई ओवन ड्राई मेथड में? 24 घंटे लेते हैं। ठीक है, चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर एक चीज और याद रख लो, अगर ओवन का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा ना, तो जो सोयल जो पार्टिकल जो उनके बॉन्ड बनने हैं, उनके बॉन्ड के द्वारा जो पानी स्ट्रक्चरल वाटर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें टेम्परेचर कहाँ रखना है? 110 डिग्री सेल्सियस से क्या रखना है? कम ही रखना है। ठीक है, आगे समझ में? तो ये भाई मेथड हो गया। अब देखो हमारे पास दूसरा कौन सा मेथड होता है भाई? पिकनोमीटर मेथड हो गया। पिकनोमीटर मेथड में भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद ही क्या रखना है, इस मेथड का यूज उसी सोयल के लिए करेंगे जिसकी हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। ठीक है, और ये सबसे क्विक मेथड होता है, लेकिन लेस एक्यूरेट होता है देन द ओवन ड्राई मेथड। आगे भाई समझ में? इस मेथड का यूज कब करेंगे? जिस सोयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी नोन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जिस सोयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो, मैं नोन हो, उसी सोयल में जो पानी होगा उसी कंटेंट निकालने के लिए पिकनोमीटर मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, और क्विक मेथड होता है, तेज मेथड होता है, तो लेस एक्यूरेट होता है, किससे? देन द ओवन ड्राई मेथड। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं भाई, देखो एक मेरे पास पिकनोमीटर क्या होता है,
पिकनोमीटर तो एक डब्बा से ही होता है यार, लैब में देखा होगा आपने, ठीक है। इस टाइप से पिकनोमीटर होता है, माना इस पिकनोमीटर का खाली का वेट कितना होगा भाई, कैपिटल डब्ल्यू हो गया, ठीक है। माना इस पिकनोमीटर में क्या कर दिया, मॉइस्ट सोयल डाल दी भाई मैंने, कितनी डाल दी, मॉइस्ट सोयल। ये क्या होगी, मॉइस्ट सोयल, मॉइस्ट मतलब नमी वाली सोयल, नमी वाली सोयल प्लस पिकनोमीटर का वेट कितना हो गया भाई, डब्ल्यू टू हो गया। देखो ये मैकेनिज्म है, ठीक है इसकी। अब मैं क्या करूंगा, ये पिकनोमीटर में, इस पिकनोमीटर में जैसे सोयल कहां तक भर रखी, यहां तक भर रखी, फिर इसमें क्या करता हूँ, पानी भर दूंगा भाई ऊपर तक। ये क्या हो गया, ये किसका होगा, मॉइस्ट सोयल हो गई भाई, क्या होगी, मॉइस्ट सोयल होगी। इसमें क्या भर दिया, फिर ऊपर क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। और इस तीनों का वेट कितना हो गया, डब्ल्यू थ्री हो गया। फिर मैं क्या करूंगा कि इन सभी जो सारी चीजें इसमें इसे हटा के क्या कर दूंगा, इसे बिल्कुल क्लीन करके, इसे बिल्कुल क्लीन करके इसमें क्या भर दूंगा, ऊपर तक क्या भर दूंगा, पानी भर दूंगा भाई इसमें, पूरा ऊपर से ऊपर तक क्या भर दूंगा, पानी भर दूंगा। माना उसका वेट कितना आ गया, डब्ल्यू फोर हो गया, ठीक है। अब देखो इन डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू तथा डब्ल्यू थ्री डब्ल्यू फोर में एक रिलेशनशिप होती है डायरेक्ट वाटर कंटेंट निकालने की। तो वाटर कंटेंट निकालने क्या होता है, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू टू माइनस के डब्ल्यू वन बटे डब्ल्यू थ्री माइनस के डब्ल्यू फोर इंटू जी माइनस के वन बटे जी और माइनस वन, ठीक है। ये एक टर्म में आ जाएंगे और ये इधर, तो ये होता है भाई इसका वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जो इसमें जो मॉइस्चर वाला का जो वेट लेते हैं, ये मॉइस्चर वाला का जो स्टार्टिंग में जो वेट लिया वो कितना लेते हैं भाई, 200 से 200 ग्राम से कितना होता है, 400 ग्राम तक होता है भाई, ठीक है। और जो पिकनोमीटर का जो वॉल्यूम होता है, पिकनोमीटर का वॉल्यूम होता है कितना होता है, 900 ml तक का होता है। ये पिकनोमीटर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि इस मेथड का यूज कौन सी सोयल के लिए करते हैं, ये मेथड ना किसके लिए बहुत अच्छा होता है, कोर्स ग्रेन सोयल के लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों कोर्स ग्रेन सोयल के लिए क्यों अच्छा होता है, क्योंकि भाई हम सोयल को वेट करने के लिए क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं। अगर मैं इस पिकनोमीटर मेथड का यूज फाइन ग्रेन सोयल के लिए करूंगा तो मैं उसके लिए भी कर सकता हूं, लेकिन पानी का यूज नहीं करूंगा वेटिंग प्रॉपर्टी के लिए। तो वहां मैं किसका यूज करूंगा, अगर मैं केरोसिन का तेल यूज करूंगा किसकी जगह, इसकी पानी की जगह, क्योंकि केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है, ठीक है। केरोसिन की जो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, बहुत ही अच्छी होती है। इसलिए अगर मैं फाइन ग्रेन सोयल के लिए इसका यूज करूंगा ना, फाइन ग्रेन सोयल की वाटर कंटेंट निकालने के लिए इसका पिकनोमीटर का टेस्ट का यूज करूंगा, तो मुझे पानी की जगह क्या यूज करना पड़ेगा भाई, केरोसिन यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि केरोसिन की वेटिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो तीसरा मेथड क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड आपने पता होगा, कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है भाई, कैल्शियम कार्बाइड वो आम को पकाने वाला, क्या बोलते हैं, कार्बेट बोलते हैं हिंदी में उसको, क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मेथड। कैल्शियम कार्बाइड मेथड क्या होता है, कार्बेट जो आम को पकाता है भाई, ठीक है। तो उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं भाई, इसे वाटर कंटेंट को हम बाहर मतलब एक्सट्रैक्ट मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें कैल्शियम कार्बाइड मेथड में क्या होता है भाई, ये सबसे क्विक मेथड होता है, ठीक है। पांच से सात मिनट में हो जाता है, ठीक है ये मेथड, लेकिन ये एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाता, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई एक हमारे पास कैलिब्रेटेड क्या होता है, चैम्बर होता है। इस टाइप से क्या होता है, इस मेथड में कैलिब्रेटेड चैम्बर होता है, ठीक है, जिसमें हम क्या करके रखते हैं भाई, सोयल को डाल के रखते हैं, कितने, 4 से 6 ग्राम तक क्या करते हैं, सोयल को डाल के रखते हैं, ठीक है। फिर इस सोयल, फिर यहाँ पे क्या होता है कि एक मीटर गेज लगी होती है, मीटर गेज लगी होती है, ठीक है, जो इस प्रकार से कैलिब्रेट होती है, बताऊंगा देखो किस प्रकार से कैलिब्रेट होती है, कि जिससे कि ये डायरेक्टली वाटर कंटेंट की रीडिंग को डायरेक्ट पढ़ ले, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करके रखते हैं, इसको कैलिब्रेट करते हैं। तो इसमें मेरे पास क्या होगा कि एक चैम्बर्स हो गया, ठीक है, ये वाला, इसमें कितने लेते हैं, 4 से 6 ग्राम क्या लेते हैं, सोयल पार्टिकल ले लेते हैं, ठीक है। और 5 से 7 मिनट में ये मेथड क्या हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, ठीक है, लेकिन लेस एक्यूरेट होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं कैल्शियम कार्बाइड लेता हूँ, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र क्या होता है, CaC2। जब कैल्शियम कार्बाइड को इस चैम्बर में डालूंगा तो कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ क्रिया करके क्या बना लेता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, प्लस एसिटिलीन गैस छोड़ता है, क्या करता है, एसिटिलीन गैस छोड़ता है। तो जब ये एसिटिलीन गैस किस पर टकराएगी भाई, यहाँ पे टकराएगी जो ओपनिंग पर, तो इसकी जो मीटर गेज है, तो मीटर गेज की जो नीडल्स है वो क्या हो जाएगी, अपनी जगह से क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। माना वो मीटर गेज दो, माना मीटर गेज पर रीडिंग क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप से क्रम में लगी हुई है। तो जैसे यहाँ पे ये नीडल कहाँ पर आ गई, 2, तो ये क्या करेगी, वाटर कंटेंट को डायरेक्टली पढ़ लेगी, कितने परसेंट वाटर है इसमें, 2%। लेकिन ये वाटर कंटेंट किसके रेस्पेक्ट में आया भाई, ये इस चैम्बर के रेस्पेक्ट में, लेकिन मैं एक्चुअल में जो वाटर कंटेंट निकाला उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आर
बटे नहीं डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू आर बटे वन प्लस डब्ल्यू आर गुना सो। तो भाई मेरा एक्चुअल फॉर्मूला आ जाएगा वाटर कंटेंट का। ये डब्ल्यू आर ये रीडिंग कहाँ से आई, ये चैम्बर से आई। जब एसिटिलीन गैस नीचे से टकराएगी तो ये क्या हो जाएगी, इसकी नीडल क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी अपनी जगह से। तो माना वो उसने रीडिंग कितनी पढ़ी, दो पढ़ी, तो दो किसको शो करेगा, वाटर कंटेंट को शो करेगा, किसके रेस्पेक्ट में, चैम्बर के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं एक्चुअल में निकालना चाह रहा हूँ तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू आर बटे वन प्लस डब्ल्यू आर, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल वाटर कंटेंट, ये क्या हो जाएगा एक्चुअल वाटर कंटेंट। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब देखो चौथा मेथड कौन सा होता है, चौथा कौन सा मेथड होता है, सैंड बाथ मेथड हो गया। कौन सा हो गया, सैंड बाथ मेथड हो गया। तो देखो ये सबसे भाई फील्ड में होने वाला टेस्ट होता है और सबसे क्विक मेथड होता है। ठीक है, फील्ड मेथड होता है और सबसे तेजी से होता है, ये बहुत बार पेपर में आया। ठीक है, सबसे तेजी से होता है। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें क्या कहता हूँ, इसमें क्या लेता हूँ, देखो भाई मेरे पास क्या होता है, एक सैंड बाथ होता है। ठीक है, सैंड बाथ, ठीक है, इस टाइप से कटोरा टाइप का होता है। ठीक है, चीनी मिट्टी का बर्तन होता है। ठीक है, सैंड बाथ, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ, सोयल को डाल देता हूँ। फिर इस सैंड बाथ को उठा के किसमें रख देता हूँ, कैरोसिन स्टोव। कैरोसिन स्टोव मतलब भाई पुराने जमाने में देखा होगा, यहाँ पे हवा भरते हैं जब मिट्टी के तेल से, क्या चलाते थे हम, क्या चलाते हैं, स्टोव। स्टोव नहीं होता क्या, स्टोव, मिट्टी के तेल वाला स्टोव जिसपे अंडे अंडे उबालते हैं भाई। तो नीचे से जब फूक मारते हैं, मतलब इस टाइप से नहीं करते थे यार वो, जिससे कि आग जलती है यहाँ से। तो आग जलेगी तो क्या होगा, ये आग जलेगी तो क्या हो जाएगा, इसमें जो पानी है वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो फिर मैंने जैसे फॉर्मूला बताया था, माना खाली सैंड बाथ का वेट कितना होगा भाई, डब्ल्यू वन हो गया, सैंड बाथ प्लस वाटर नहीं, जो सोयल प्लस वाटर होगा उसमें उसका वेट कितना हो गया, डब्ल्यू टू हो गया। ठीक है, फिर जब मतलब इसे क्या कर दिया भाई मैंने, जब मतलब पूरा मतलब आग जल गई, मतलब जिसमें पूरा पानी उड़ गया, तो सैंड बाथ प्लस जो ड्राई सोयल होगी क्या होगी, ड्राई सोयल तथा सैंड बाथ, इसका वेट कितना होगा, डब्ल्यू थ्री हो गया। तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, डब्ल्यू टू माइनस के डब्ल्यू थ्री बटे डब्ल्यू थ्री माइनस के डब्ल्यू वन गुना सो। ये क्या हो जाएगा, सैंड बाथ द्वारा मेथड अभी इसका वाटर कंटेंट निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा मेथड होता है भाई, अल्कोहल मेथड हो गया। अल्कोहल मेथड, अल्कोहल मेथड क्या होता है कि ये भाई सबसे क्विकेस्ट मेथड होता है। ठीक है, सबसे अच्छा मेथड होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मैथिलेट स्प्रिट को मिक्स करते हैं किसमें, सोयल में। ठीक है, जिससे कि उसकी इवापोरेशन रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। समझ गए भाई, मतलब क्या करते हैं, देखो सोयल हो, ये मेरे पास क्या होगी, सोयल होगी। ठीक है, सोयल में क्या मिला देता हूँ, माना इसका सोयल का वेट कितना हो गया, इनिशियल में क्या हो गया, डब्ल्यू वन हो गया। क्या हो गया, सोयल का वेट क्या हो गया, डब्ल्यू वन हो गया। फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने इस सोयल को क्या कर दिया, कूल कर दिया, मतलब ठंडा कर दिया। ठीक है, जब मैंने इस सोयल को क्या कर दिया, ठंडा कर दिया। ठीक है, ठंडा कर दिया माना ठंडा, ठंडी ठंडा कर दिया सोयल। ठीक है, ठंडा हो गया। फिर इसमें क्या मिलाता हूँ, मैथिलीट स्प्रिट मिला देता हूँ, स्प्रिट। तो स्प्रिट मिलाता हूँ तो माना स्प्रिट प्लस ठंडी सोयल का वेट कितना हो गया भाई मेरे यहाँ पर, मेरे पास डब्ल्यू टू हो गया। ठीक है, ठंडी सोयल तथा मैथिलीट स्प्रिट का वेट कितना हो गया, डब्ल्यू टू हो गया। अब भाई कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो मैथिलीट स्प्रिट है ना, क्या हो जाएगी, अपने आप जलनी स्टार्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है, अपने आप जलनी क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर कंटेंट कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वन माइनस के डब्ल्यू टू बटे डब्ल्यू टू गुणा सो। ठीक है, तो यहाँ से वाटर कंटेंट निकल जाता है। अब टोर्जन बैलेंस मेथड क्या होता है कि यार ये क्या होता है कि इसमें जो ड्राइंग होती है तथा वेट वेइंग करते हैं किस सोयल की, इसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली होती है। ठीक है, टोर्जन बैलेंस मेथड में, ठीक है, टोर्जन बैलेंस मेथड में, तो इसलिए हम ज्यादा यूज नहीं करते यार इसका। ठीक है, लेस एक्यूरेट होता है इसलिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लास्ट मेथड हो गया आपका रेडिएशन मेथड। ये क्या हो गया, रेडिएशन मेथड। अब देखो रेडिएशन मेथड क्या होता है, इनसीटू मेथड होता है। इनसीटू मतलब साइट पे जाके, जैसे क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, ग्राउंड। लेकिन इसे क्या करते हैं, लार्जर एरिया के लिए करते हैं हम, किसको, रेडिएशन मेथड को। ठीक है, क्या हो गया, इनसीटू मेथड होता है। क्या होता है, इनसीटू मतलब साइट पे जाके हम वाटर कंटेंट निकाले किसी सोयल का। ठीक है, पाइल, जैसे पाइल डाल दिया हमें किसी, ठीक है, किसी मिट्टी में। ठीक है, वहां देखेंगे भाई वाटर कंटेंट कितना है, वाटर टेबल कितने ऊपर है। ठीक है, तब हम रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि भाई हम इसमें क्या करते हैं कि दो स्टील केसिंग लेते हैं भाई, इस प्रकार से दो प्रकार की क्या लेते हैं, एक स्टील केसिंग ये डाल दी, दूसरी स्टील केसिंग ये कर देते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है भाई वो डिफाइन नहीं किया गया। ठीक है, कितना होता है, ठीक है, ये क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि एक कोबाल्ट कैप्सूल इस वाली इसमें लटका देते हैं, दूसरा एक मैग्नेटिक मतलब एक डिटेक्टर होता है। डिटेक्टर ये किसका, किस लिए यूज करते हैं, न्यूट्रॉन को डिटेक्ट करने के लिए। ये क्या होता है, डिटेक्टर होता है भाई। दूसरी किसी में क्या लटका के रखते हैं भाई, डिटेक्टर लटका के रखते हैं। ठीक है,
ठीक है, ये क्या होता है, डिटेक्टर होता है, ठीक है, ये क्या होता है, कोबाल्ट 60, ये क्या होता है, कोबाल्ट 60, ये भी आ रखा है कि भाई रेडिएशन मेथड में जो केसिंग में जो लोअर्ड करते हैं वो उस कैप्सूल का मार आइसोटोप्स, उस आइसोटोप्स का नाम क्या होता है, क्या होता है, कोबाल्ट 60 होता है। तो जब कोबाल्ट 60 से यहाँ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, निकलने स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ क्या आती है, सोयल होती है, तो सोयल में क्या होते हैं, पानी होता है, तो जब न्यूट्रॉन पानी के साथ क्रिया करता है तो जो यहाँ एनर्जी होगी ना न्यूट्रॉन की, वो यहाँ तक आने में क्या हो जाएगी, डिसिपिएट हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर एनर्जी बहुत खतरनाक है, लेकिन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगी तो उसकी एनर्जी कुछ ना कुछ कम तो होगी भाई, क्योंकि हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, यहाँ पानी नहीं गया भाई, सोयल, ये क्या है, सोयल नहीं गए, सोयल में पानी होगा तो उससे क्या होगा, आपस में जब टकराएंगे तो क्या होगी, न्यूट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और ये एनर्जी यहाँ कहाँ पे पड़ी जाएगी, इस डिटेक्टर के द्वारा पड़ी जाएगी, माना इस डिटेक्टर ने जो लॉस हुई एनर्जी पड़ी किसकी, न्यूट्रॉन की, तो जो ये डायरेक्टली जो रीडिंग पड़ी गई, जो ये डिटेक्टर द्वारा जो रीडिंग पड़ी गई किसके द्वारा, लॉस हुई एनर्जी किसकी, न्यूट्रॉन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, वाटर कंटेंट के, तो इसलिए डायरेक्टली वाटर कंटेंट की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता चल जाती है, ठीक है। तो ओके गाइज, थैंक यू।